Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज हम फिर से खेलने वाले ODI World Cup Heroes and आज का मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया 99 के साथ इंडिया 83 का. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है एंड मैंने एक नया टूर्नामेंट के बारे में सोचा हूँ, जो टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. वो टूर्नामेंट क्या होगा वो मेरा दिमाग पर है, ठीक है. अगर आप लोगों को जानना है तो इस वाले वीडियो पे 120 लाइक का एम करते हैं. अगर 120 लाइक हो जाता है तो जब भी हो जाएगा मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा. बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट है तो प्लीज यार 120 लाइक कर दो. इजी है कर दो फटाफट. एंड चलो आज का मैच भी शुरू करते हैं. दोनों कप्तान आ चुका है टॉस करने के लिए. कपिल देव ने यहाँ पर टेल्स कहा है तो देखते हैं क्या जीतता है. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. मैं टॉस जीतूंगा तो मैं पहले गेंदबाज ही लूंगा, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत चुका है तो यहाँ पर स्टीव वॉक क्या लेता है देखते हैं. वॉक भैया आप क्या लोगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. एंड यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला किया, मतलब मुझे बैटिंग करना होगा भाई, दिक्कत होने वाला है. पहला गेंद यहाँ पर ग्रेन मैकग्रा की तरफ से स्ट्राइक पे सुनील गॉस का. एंड पहली गेंद यहाँ पर बैक फुट पे पंच किया तो दो रन की में कोशिश नहीं होगा, सिर्फ एक रन मिलता हुआ यहाँ पर पहली गेंद पे. पहला गेंद थी शोफर का एंड यहाँ पर पाउंशा था, बढ़िया पुल शॉट लगाया एंड यहाँ पर 6 रन मिलता हुआ भाई सुनील गावस्कर को. सिर्फ 12 रन बना था 4 ओवर पे एंड यहाँ पर पहली गेंद पे छक्का मार दिया गावस्कर ने भाई, क्या सही शॉट मारा भाई, मजा आ गया ये वाला शॉट देख के. तीसरा गेंद थी शोफर का एंड यहाँ पर बढ़िया शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एंड यहाँ पर निकल भी गया गैप पे. पीछे फील्डर भाग जरूर रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाया तो यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ. पहली गेंद पे छक्का आया, दूसरा गेंद डॉट, तीसरा गेंद पे चौका, मतलब ऑलरेडी 3 गेंद पे 10 रन आ चुका है. पहला गेंद यहाँ पर डरेल लेवन के तरफ से एंड पहली गेंद पे मैंने रिवर्स स्वीप लगा दिया. टाइमिंग भी अच्छा खासा हुआ है लेकिन आउटफील्ड स्लो है आई थिंक. कोई नहीं यहाँ पर 2 रन मिल चुका है, 3 रन भी ले लूंगा एंड आराम से 3 रन मिल जाएगा इस वाली गेंद से, मतलब शॉट से चौका मिलना चाहिए था. तीसरा गेंद थी शोफर का एंड यहाँ पर मैंने रिवर्स, अबे अबे ए भाई साहब, मैंने सोचा था यहाँ पर रिवर्स खेलूंगा निकल जाएगा लेकिन यहाँ पर गिलक्रिस्ट ने बहुत सही कैच पकड़ा, मतलब बैट पे लगने के बाद पैड पे लगा इसलिए गेंद गया नहीं लेकिन गिलक्रिस्ट ने बहुत सही कैच पकड़ लिया एंड यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ बढ़िया. ओके बैट पे लगने के बाद पैड पे लगा इसीलिए गेंद गया नहीं. ओके यहाँ पर क्रिस श्रीकांत आउट हो चुका है 11 रन बना के. अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है महेंद्र अमरनाथ. दूसरा गेंद शोफर का एंड यहाँ पर नहीं भाई इतना स्लो गेंद कर रहा है ना 125 किलोमीटर पर आवर का, इसीलिए टाइमिंग करने में दिक्कत आ रहा है मेरे को. लास्ट गेंद एंड उठा के शॉट मारा लास्ट गेंद पे, बाउंड्री क्लियर करना चाहिए भाई, नीचे फील्डर है, क्लियर कर जा भाई क्लियर कर जा भाई, क्लियर कर गया लास्ट गेंद पे, बहुत सही छक्का मारा यहाँ. पहला गेंद यहाँ पर शेन वॉर्न के तरफ से एंड पहली गेंद पे शेन वॉर्न का यहाँ पर उठा दिया मैंने, कोई नहीं. अरे यार फील्डर ने पकड़ दिया, मैंने सोचा नहीं था फील्डर के पास जाएगा, मैंने सोचा था गैप पे मतलब फील्डर के बगल में गिरेगा चौका चला जाएगा यहाँ, लेकिन भाई शेन वॉर्न ने आउट कर दिया मेरे को मतलब गावस्कर को. गावस्कर यहाँ पर 23 रन बना के आउट हो चुका है. अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है कपिल देव. तीसरा बॉल इस ओवर का एंड यहाँ पर उठा के शॉट मारा अमरनाथ ने, ओ भाई शेन वॉर्न को यहाँ पर बाउंड्री के बाहर भेज दिया अमरनाथ, क्या सही सिक्स मारा भाई, बहुत ही ओपी वाला सिक्स, 111 मीटर लंबा छक्का अमरनाथ के बदले से यहाँ पर देखने को मिला. शेन वॉर्न को इतना बड़ा छक्का मारना भाई टफ तो है. दूसरा गेंद यहाँ पर उठा दिया मैंने, कनेक्ट तो हुआ था एंड यहाँ पर छक्का तो नहीं मिलेगा, कोई नहीं 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर दूसरी गेंद पे, बहुत बढ़िया शॉट. तीसरा गेंद एंड उठा के शॉट मारा छक्का 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 बाउंड्री क्लियर करेगा. यस भाई अमरनाथ ओपी वाला बैटिंग कर रहा है, अमरनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है एंड कमेंट पे बताओ भाई, कमेंट करो ओपी अमरनाथ ये वाला कमेंट करो फटाफट करो, क्या सिक्स मारा. अभी भी 2 गेंद बाकी है इस ओवर में एंड यहाँ पर फिर से उठा दिया, कोई नहीं ये चौका जाएगा छक्का नहीं, बहुत बढ़िया टाइमिंग 70 पे पहुंच चुका है इंडिया. लास्ट गेंद था इस इनिंग्स का एंड यहाँ पर लास्ट गेंद पे उठा के शॉट मारा, ओके मैंने सोचा था छक्का जाएगा लेकिन लास्ट गेंद पे यहाँ पर चौका, तो चौके के साथ इनिंग्स खत्म करता हुआ अमरनाथ. इंडिया ने यहाँ पर 74 रन बनाया तो 75 का टारगेट है एंड बहुत ही बेहतरीन बैटिंग का महेंद्र अमरनाथ, 36 रन बनाया 16 गेंद पे, सिर्फ भाई अलग ही लेवल. अच्छा भाई बॉल राइफल को देखो भाई, 2 ओवर पे सिर्फ 4 रन दिया एंड उसके अलावा तो सभी बॉलर को मैंने पीटा, कोई नहीं 75 रन का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है. पहला गेंद यहाँ पर कपिल देव की तरफ से मैं स्क्वार कराने वाला हूँ पहला गेंद एंड आराम से शॉट खेला, फील्डर है तो 1 रन मिल जाएगा. ओके पहली गेंद पे यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ. इंडिया को यहाँ पर मैच जीतना है तो विकेट लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी एंड यहाँ पर एज लगा, अरे यार गैप पे निकल गया, लाख साथ दिया, बहुत बढ़िया गेंद था एंड 4 रन मिलता हुआ. चौथी गेंद इस ओवर का एंड उठा के शॉट मारा, आई थिंक ये भी चौका जाएगा,
मार दिया यहाँ पर 4 रन फिर से। पहला गेंद यहाँ पर मदन लाल की तरफ से उठा के शॉट मारा, पीछे भाई कोई तो नहीं है, तो यहाँ पर ओके 4 रन मिल गया यहाँ पर पहली गेंद पे। भाई बहुत हिटिंग कर रहा है, विकेट लेना पड़ेगा, अगर विकेट लेगा तभी इंडिया इस वाले मैच को जीत सकता है। तीसरा गेंद है रजत बिनी के तरफ से एंड यहाँ पर उठा के शॉट मारा मार्को ऑफ ने, पीछे फील्डर तो है लेकिन यहाँ पर गैप पे खेल दिया, दो फील्डर के बीच में गैप था, उसी गैप पे खेला एंड 4 रन मिल चुका है यहाँ पर। चौथी गेंद है एंड यहाँ पर ओके चला था, ओके बढ़िया गेंद। पहला गेंद यहाँ पर संधू के तरफ से एंड फिक्स शॉट खेला है, पीछे फील्डर नहीं भाई गैप पे खेल दिया था, ओके यहाँ पर 4 रन मिल गया। बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट खेला यहाँ पर मार्को ने, बहुत बेहतरीन बैटिंग करा मार्को, तो मार्क को यहाँ पर आउट करना पड़ेगा। दूसरा गेंद था इस ओवर का, आउट है भाई, भाई आउट है भाई, अनबॉल कर दिया था मैंने पढ़ने के बाद, इसलिए सीधा रह गया, बैट्समैन को समझ नहीं आया एंड यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुआ मेरे को मतलब संधू को। बहुत बढ़िया गेंद था एंड भाई डिब्यू लेने नहीं लेना चाहिए, ओके मार्को अब यहाँ पर 25 रन बना के आउट हो चुका है। अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग, अभी रिकी पॉन्टिंग स्ट्राइक पे है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। उठा के शॉट मारा सीधे बल्ले से एंड फील्डर तो है नहीं, तो यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग आते ही पहली गेंद पे 4 रन मार दिया भाई, बहुत ही बेहतरीन शॉट पॉन्टिंग की तरफ। लास्ट बॉल है इस ओवर का एंड ओके चला आउट भाई, 2 विकेट ले लिया यहाँ पर संधू ने भाई, दोनों ओपनर को यहाँ पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया संधू ने। पहले तो आउट किया मार्को ऑफ को, उसके बाद यहाँ पर गिलक्रिस्ट को बहुत सही कैच पकड़ा यहाँ पर कीपर ने भी, तो गिलक्रिस्ट यहाँ पर 5 गेंद पे से 2 रन बना के आउट हो चुका है। अभी बैटिंग करने के लिए आ रहा है डैरन लेमन, तो यहाँ पर दूसरा गेंद अमरनाथ की तरफ से, अमरनाथ आज बहुत बढ़िया बैटिंग किया इसलिए गेंदबाजी भी मिला है एंड यहाँ पर डॉट रहेगा, बढ़िया शॉट था, बढ़िया गेंद भी था। 37 रन चाहिए ओपी सिर्फ 17 गेंद पे एंड यहाँ पर ओके कीपर तक कैरी नहीं हुआ, बहुत सही गेंद था यार। पहला गेंद यहाँ पर संधू के तरफ से एंड स्ट्रेट बैट से उठा के शॉट मारा रिकी पॉन्टिंग ने, फील्डर नहीं भाई गैप पे मार दिया, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर पॉन्टिंग को। दूसरा गेंद है एंड एज लगा ओके भाई का फील्डिंग दिखाया, 4 बॉल पे 20 रन चाहिए एंड पहली गेंद पे यहाँ पर उठा दिया भाई, छक्का छक्का जाएगा क्या, कोई नहीं सिर्फ चौका मिलेगा भाई, बहुत ही बेहतरीन शॉट एंड 4 रन यहाँ पर इस वाली गेंद से। तो अभी 3 बॉल पे 16 रन चाहिए, तो छक्का मारना ही पड़ेगा नहीं तो मैच जीतना पॉसिबल नहीं है। 2 बॉल पे 16 है एंड उठा के शॉट मारा, गैप पे भी है तो 4 रन मिल सकता है यहाँ पर, यस 4 रन मिलेगा यहाँ पर, बढ़िया पॉन्टिंग लास्ट पे आके शॉट खेल रहा है, अगर पहले से ऐसे शॉट खेलता तो मैच जीत सकता था, लेकिन कोई नहीं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। 1 बॉल पे 12 रन चाहिए एंड उठा के शॉट मारा, ये भी चौका जाएगा क्या, अरे यार ये भी चौका मार दिया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है मैच तो हम जीत गए, अगर ये पहले से ऐसे हिटिंग करता तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मैच जरूर जीत सकता था, लेकिन पहले से हिटिंग नहीं किया वो उसकी दिक्कत है एंड यहाँ पर 7 रन से मैंने मैच को जीत लिया, यस। तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है महेंद्र अमरनाथ, होना ही चाहिए भाई, जो उस बैटिंग किया 16 गेंद पे 36, अगर उतना खूंखार तरीके से बैटिंग नहीं करता तो इतना रन भी बना नहीं पाता एंड ऑस्ट्रेलिया इस वाले मैच को इजीली जीत जाता, तो मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ को ही देना चाहिए, बहुत ही सही यहाँ पर बैटिंग किया महेंद्र अमरनाथ। तो गाइस यहाँ पर आप स्टैंडिंग देख सकते हो, आज ग्रुप सी का मैच था, इंडिया 83 इस वाले मैच को जीतने के बाद अभी टॉप पे है, 4 मैच पे 3 जीता 6 पॉइंट के साथ एंड अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक मैच बाकी है, अगर ऑस्ट्रेलिया 99 लास्ट वाला मैच जीतता है एंड बहुत ही बढ़िया से जीतता है तो NRR भी उसका बेहतर हो जाएगा इंडिया से एंड वो क्वालिफाई कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ग्रुप सी में एंड देखते हैं, अभी सिर्फ टॉप टीम ही क्वालिफाई करेगा हर एक ग्रुप से, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आप लोग यहाँ पर स्टैट्स भी देख सकते हो, नंबर 1 पे है हेडन लीडिंग रन पे एंड उसके बाद जयसूर्या सुनील गावस्कर है यहाँ पर एंड नंबर 4 पे यहाँ पर आ चुका है महेंद्र अमरनाथ, आज जो बैटिंग का भाई डिजर्व करता है एंड यहाँ पर बी संधू आ चुका है लीडिंग विकेट्स पे 2 नंबर पे एंड सबसे खासियत बात है जो लीडिंग विकेट्स पे टॉप 5 है उनमें से टॉप 5 ही स्पिनर है भाई, युवराज सिंह स्पिनर, बी संधू स्पिनर, हरभजन सिंह स्पिनर, डी सिल्वा स्पिनर, मैक्सवेल भी स्पिनर, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ। तो गाइस इस वाली वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है यार लाइक मारो, 120 लाइक का एम करते हैं, होपफुली हो ही जाएगा क्योंकि 120 लाइक हो जाने के बाद मैं एक नया टूर्नामेंट के अनाउंस करने वाला हूँ जो बहुत ही सही होने वाला है यार, प्लीज लाइक ठोको एंड नीचे कमेंट करके भी बताना एंड कमेंट पे यही लिखना #OPAmarnath क्योंकि अमरनाथ ने ओपी वाला बैटिंग किया भाई, इसीलिए बनता तो है एंड वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
उसके बाद घंटी भी बजा देना। तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।